खोज जानिए। सिद्ध कीजिए। कोजा नियम, सिद्ध कोजा नियम जानते होगे? नाम ही सुना होगा, नाम ही नहीं सुना होगा, सुना है क्या? कोजा नियम देखो क्या होता है, सुन लो, मैं थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, सॉल्यूशन आपको ही करना है, थोड़ा मैं हिंट देकर छोड़ रहा हूँ आपको। जैसे कोई भी त्रिभुज होता है ना, ठीक है ना, जैसे ये त्रिभुज है मान लो, सदिश के लिए तो खैर मैं इसकी दिशा लूँगा, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, ये कोण हो गए ए बी सी, इनके सामने वाली भुजा ए के सामने वाली क्या हुई स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ये भुजा की लंबाई हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए अपने सूत्र बनता है, कौन से एंगल के लिए सूत्र बनाए, जैसे मैं एंगल ए के लिए सूत्र बना रहा हूँ, तो बन जाएगा कोस ए बराबर बी स्क्वायर, जो ए लिया ना मैंने एंगल, वो उसका छोड़ देना भुजा, बी और सी लेना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो एंगल लिया ना ए उसकी भुजा ले लो, माइनस बी स्क्वायर बट्टा टू बी सी, ये कोस ए के लिए बन गया। यही मैं अगर बी के लिए निकालूँ तो कोस बी के लिए बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला, कोस बी, बी है ना तो बी को छोड़ देना है, ए और सी ले लो यहाँ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या लेंगे टू ए सी, जो यहाँ प्लस मिला ना उन दोनों को लेंगे। ऐसे ही मैं अगर कोस सी निकालूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ये तो फॉर्मूला है। अब ये प्रूव और करना है, अब तीनों प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक प्रूव कर दो कोई सा, ठीक है, अपना काम हो जाएगा, एक प्रूव कर देंगे, वैसे दूसरा होगा वैसे तीसरा होगा, ठीक है। तो एक काम करो, पहले फटाफट आप यहाँ तक नोट कर लो ये पूरा, ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लो, अगर होता है आपसे तो ठीक है, वरना मैं कराता हूँ आपसे, जल्दी से नोट करो फटाफट। तो देखो अपने को ये प्रूव करना है, तो तीन बनते हैं वैसे, तो हम कोई सा भी एक निकाल सकते हैं। देखो ध्यान देना, ये त्रिभुज एबीसी, सदिश भी निकालना है, सदिश लगा दो इसके, तो मैंने क्या किया, ये बना लिया एक सदिश, एक ये, अच्छा एक सदिश के सामने आगे टकराता है, ठीक है, लेकिन टकराए कोई जरूरी नहीं, हम टकराएं ऐसे नहीं कि सर इसको आगे सामने टकराना, मैं उसकी दिशा इधर भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नहीं कि सामने टकराऊँ, क्यों भाई अब आपको उसे सामने हमेशा टकराता है, मेरे को तो योगफल निकालते हैं अपन, भाई इन दोनों का मेरे को योग चाहिए तब वो सामने टकराता है, वो इसके बराबर आता है, मुझे अब योगफल चाहिए ही नहीं। अगर ऐसे भी त्रिभुज में दिशा में दे सकता हूँ, सिरस से पूंछ टकराई, सिरस से पूंछ टकराई, तो अब ये क्या हो गया, ए बी सी सदिश हो गए, मान लो ए बी और सी हो गए। अच्छा मैं ऐसे भी कह सकता हूँ सॉल्यूशन में, भाई ए सदिश है उसके परिमाण को मैंने ए नाम दे दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, दे सकता हूँ मैं, ये एक अदिश राशि, ये भी एक अदिश राशि है, ए सदिश नहीं लिख रहा मैं इसको, सीधा ए लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ बी है उसको मैंने सीधा बी कह दिया, सी का मॉडुलस उसको मैंने सी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताओ यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ क्या, ये ए सदिश उससे जुड़ कौन रहा है, बी सदिश और उससे जुड़ कौन रहा है, जुड़ रहा है ना, देखो सिर से पूंछ नहीं दिख रहा आपको, तो मैं इसे बोल सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, जीरो आ गया भैया, क्योंकि बताओ यहाँ से चलना शुरू किया था, प्रारंभिक बिंदु ये और घूम के वापस यहीं आ गया, अंतिम बिंदु भी यही है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी बनी, कुछ नहीं बनी, जीरो, नहीं समझे मेरी बात है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या लेंगे, जीरो, मैंने जीरो ले लिया। अब चलो इन तीनों में कौन सा प्रक्षेप नियम, सॉरी इन तीनों में कौन सा कोज नियम प्रूव करना है अपने को, जैसे मान लो ए वाला करना है मुझे, अगर मुझे ए वाला प्रूव करना है तो ए को उठा के उधर ले दो पक्षांतरण कर दो, बी वाला प्रूव करना है तो बी का पक्षांतरण कर दो, सी वाला प्रूव करना है तो सी का पक्षांतरण कर दो, समझ रहे हो मेरी बात। चलो फिलहाल मेरे को ए वाला प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ बी प्लस सी इधर रख लेता हूँ और ए उधर ले जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का ए सदिश, ठीक है। अब मैं दोनों पक्षों का वर्ग करता हूँ, वर्ग जैसे मैं वर्ग करूँगा तो आपको पता ही एक सदिश है, ये भी एक सदिश है, सदिश का वर्ग कैसे होता है मॉडुलस लग के, तो आप इधर लिख दोगे b प्लस सी मॉडुलस लगा के स्क्वायर, उधर लिख दोगे माइनस ए मॉडुलस लगा के स्क्वायर, तो ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूंगा, होल स्क्वायर खोलूंगा तो बताओ क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी डॉट सी, मॉडुलस लगा सीधा कहा था ना,
भाई मॉडुलस ए को मैंने क्या नाम दिया, ए। मॉडुलस बी को क्या नाम दिया, मॉडुलस सी को क्या नाम दिया, सी। चाहो तो आप एक बार मॉडुलस लगा लो, आगे वाले स्टेटमेंट में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लो आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मॉडुलस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर प्लस टू बी डॉट सी इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर बोल सकते हैं इसे। बताओ मोड बी को आप बी बोल सकते हो क्या, मोड सी को सी बोल सकते हो क्या, इसको क्या बोल सकते हो, इसको वापस मोड बी मोड सी कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। मोड बी और मोड सी को वापस आप बी और सी बोल सकते हो क्या, तो सीधा बी और सी लिख दूँ डायरेक्ट यहाँ पर, एक स्टेप बच जाएगी अपनी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ बी सी कोस थीटा। समझ मारी बात आपके। अच्छा ये कोस थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा किसके बीच का कोण है, बी और सी के बीच का कोण कहाँ दिख रहा है आपको बताओ, चित्र में देखो, इसमें आ जाओ ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में बी और सी के बीच का कोण कौन सा है, बी सदिश ये रहा सी सदिश ये रहा, तो इसके बीच का कोण ये हो गया, क्लियर है। गलत है मूर्खों, मैंने आप लोगों को सिखाया था, याद करो कोण कैसे होता है, ऐसे होना चाहिए तीर ऐसा, क्या तीर ऐसा दिख रहा है, ये सिर से पूंछ टकरा रही है, कोण कैसे हुआ, ये कोण नहीं है। तो सर फिर क्या करें, मेरे को ऐसा बनाओ कि सिर से पूंछ टकराए। अभी मान लो ए है, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, ये वाला कोण तो हो नहीं सकता, तो इस वाले सदिश को आगे बढ़ावा मान लो, आप मान लिया ये वाला कोण दिख रहा है, इधर वाला ये देखो इसकी दिशा इधर आ रही है, उसकी दिशा उधर जा रही है, ये कोण हुआ, वो तो कोण नहीं हुआ। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया काम आई वो बात कोण वाली, अगर आपको कोण का ये पता नहीं होता कि भाई कोण ऐसे ही बनता है तो आप यहाँ गलती कर देते, अगर ये बात पता नहीं होती तो आपको, अब ये बात पता है तो वो पता है कोण बाहर बनेगा अंदर नहीं बनेगा, ठीक है। और बाहर बनेगा तो कितना बनेगा भाई, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, याद है क्या आपको, अंदर वाले कोण को जितना ये होता है उतना ही बोलते हैं ए, तो बाहर वाले को क्या बोलेंगे, पाई माइनस ए, 180 माइनस ए बोल दो, पाई माइनस ए बोल दो, बोल सकते हैं ना अपन, चलो मैंने इसको पाई माइनस ए बोल दिया, तो इसका मतलब अपना जो थीटा ना थीटा वो कौन हुआ, पाई माइनस ए, कि अपन कौन तो बाहर वाला हुआ अपना, समझे मेरी बात, वो तो अंदर वाला तो कौन बना ही नहीं। चलो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी कोस पाई माइनस ए इक्वल टू ए स्क्वायर। कोस पाई माइनस थीटा, याद करो 11th वाला फॉर्मूला, कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है माइनस का, होता है ना, और चेंज नहीं होगा पाई के लिए, कोस का कोस ही रहेगा, तो ये बनेगा माइनस का कोस थीटा या माइनस का कोस ए। तो आपके आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा टू बी सी कोस ए इक्वल टू ए स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इस माइनस वाले को उठा के उधर ले जाओ और ए स्क्वायर उठा के उधर ले आओ, तो इधर आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी कोस थीटा कोस ए। कोस ए को वहीं रख लो और बी सी को यहाँ बट्टे में ले आओ, तो उधर बताओ उधर बच गया कोस ए, इधर क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बट्टे में क्या आ गया बी सी टू बी सी। बोलो समझ में आया नहीं आया, क्लियर एकदम बढ़िया ढंग से। चलो इसको नोट भी करना है, साथ में एक क्वेश्चन नोट दे रहा हूँ इसी टाइप का जो आपको करना है अभी, ठीक है। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज एबीसी के लिए सदिश विधि से प्रक्षेप नियम सिद्ध करो। अभी प्रक्षेप नियम क्या है भाई, प्रक्षेप नियम भी आप नहीं जानते हो, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर। प्रक्षेप नियम होता है ट्राइंगल में से बनाना है आपको, वो तीर वाला घुमा तीर घूम रही नहीं, इसके सिरे से इसकी पूंछ टकराए, सिरे से पूंछ टकराए, ट्राइंगल बना लोगे, ठीक है। सूत्र बता देता हूँ मैं, ये ट्राइंगल है मान लो आपके सामने ए बी सी, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो प्रक्षेप नियम क्या कहता है, इसमें ए बराबर, ये जो भुजा की लंबाई होगी ना सामने वाली, मॉडुलस ए बोल दो साउथ इसको ना, ए बराबर
बी के साथ कोस कोण आएगा सी और प्लस सी, सी ये भुजा है, सी है ना, के साथ कोस कोण आएगा सी, ये कोण है कोस के अंदर जो आ रहा है, सॉरी कोण आएगा बी, ए बराबर बी भुजा कोस कोण सी प्लस ए सी भुजा और कोस कोण ले लिया बी, ये प्रक्षेप नियम है। तो एक नहीं बनता, ऐसे भी तीन बनेंगे उसकी तरह। ये ए बराबर था, बी बराबर निकलो, तो बताओ आप बताओ क्या बनेगा बी बराबर, यहाँ ए लो कोस बचा हुआ कोण लो सी, भाई बी के साथ कोण वो दूसरा लिया, सी के साथ कोण बी लिया, नहीं समझे क्या आप, तो ए के साथ कोण क्या लेंगे बचा हुआ कोण सी और प्लस अब सी को बाढ़ लो और कोस ए, ऐसे बताओ तीसरा क्या बनेगा प्रक्षेप, सी बराबर ए कोस बी प्लस बी कोस ए, ऐसे बना सकते हैं आप, आई क्या बात समझ में, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आपको अभी प्रूफ करना, कोई एक का कर दो वैसे होगा, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लिया जाए और साथ में इसका सॉल्यूशन भी करो, चलो सॉल्यूशन करते हैं। मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ दोबारा, अलग से थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं। ये ट्रायंगल है, ए बी सी, ये ए सदिश हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, ये इनकी दिशा हो गई, ये दिशा हो गई, तो बताओ क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो सदिश। अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा निकालना है, जैसे ए वाला निकालना, मान लो ए वाला निकालना तो ए को उठा के उधर ले जाओ, बी वाला निकालना है बी को उठा के उधर ले जाओ, सी वाला निकालना है सी को उठा के उधर ले जाओ, मुझे ए वाला निकालना है तो मैं बी प्लस सी तो इधर रख लेता हूँ और ए उधर जाएगा तो माइनस का ए हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करना है, वर्ग कब करते हैं, जब हम कौन सा नियम निकालते हैं खोज, तो यहाँ क्या करना है सर, क्योंकि यहाँ देखो बराबर में किसको ले गया मैं, ए को, तो दोनों पक्षों में अपने को ए का गुणा करना है डॉट वाला, अगर मैं बी को उठा के ले जाऊँ दोनों पक्षों में बी का गुणा करना है, सी को उठा के ले जाऊँ दोनों पक्षों में किसका गुणा करना है सी का, फिलहाल मैं ए को उठा के ले गया ना, तो मैं दोनों पक्षों में ए का गुणा कर देता हूँ डॉट वाला, बी प्लस सी से कर दिया, ठीक है, इसका अंदर गुणा किया बताओ क्या बन गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी माइनस ए डॉट ए, क्या हो गया मोड ए स्क्वायर, ये माइनस का प्लस मत कर देना ये आगे है, समझ गए आप, सर स्क्वायर है तो प्लस हो गया स्क्वायर, इसके अंदर थोड़ी आ रहा माइनस, ये अलग से है। तो अब देखो ए डॉट बी का आप फॉर्मूला जानते हो, बी डॉट ए डॉट सी का भी फॉर्मूला जानते हो, जानते हो ना, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ए डॉट बी का क्या हुआ मोड ए मोड बी कोस थीटा, लगा दिया थीटा, और ए डॉट सी का क्या हुआ बताओ मोड ए मोड सी कोस थीटा ही, अरे थीटा क्यों आएगा, एक बात बताओ कोस थीटा, ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण अगर थीटा है तो बताओ ए और सी के बीच का कोण भी कोई थीटा होगा, जरूरी थोड़ी है, अरे क्या जरूरी नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे चेंज करो एंगल चेंज करो इसको, चलो मैं फाई दे देता हूँ फाई, समझ रहे हो मेरी बात, अच्छा और बराबर मोड ए स्क्वायर, इसको आप सीधा ए भी तो लिख सकते हो, भी सीखा था पढ़ने सीधा ए स्क्वायर, चलो एक बार मोड ए लिख देता हूँ मैं, बाकी उधर करता हूँ मैं, चलो देखो मोड ए मोड बी, इसको मैं लिख दिया ए बी कोस थीटा, अब तो थीटा की वैल्यू काम आएगी वही बात, ट्रायंगल को देखना है, ए और बी के मध्य का कोण कहाँ है, ए और बी के मध्य का कोण, गौर से देखो ए और बी के मध्य कोण देखो भाई, ये ए सदिश ये बी सदिश, क्या ये कोण ले सकते हैं क्या हम, नहीं ले सकते, कैसे करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे, तो कोण कौन सा होगा ये, इसका नाम क्या है सी है क्या इस कोण का नाम, तो इस कोण का नाम क्या होगा, हाँ पाई माइनस सी, तो इसका मतलब थीटा का मान क्या आया पाई माइनस सी, समझो मेरी बात, ऐसे ही मुझे चाहिए ए और सी के मध्य का कोण, ए और सी के मध्य का कोण कौन सा हुआ ये रहा ए और सी, क्या ये कोण ले सकते हैं क्या हम, नहीं ले सकते, ये तो वैसे बी हो गया ना, तो हमें देना पड़ेगा ये वाला कोण, क्या हुआ पाई माइनस बी, अरे समझ रहे हो मेरी बात, ये आपके फाई का मान आ गया पाई माइनस बी,
क्लियर है। तो अब दोनों का लगा दो आप, तो ए बी कोस थीटा का मान क्या हुआ, पाई माइनस सी प्लस ए सी, ए सी कोस पाई माइनस बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अरे ए को बना रहा है क्या, ए ए को बना रहा है, ए को बनाएगा उधर क्या है, ए स्क्वायर से कट जाएगा ए, तो उधर ए बच जाएगा एक, तो आपके पास क्या आया बी कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा कोस सी। ये बताओ कोस पाई माइनस बी, ये भी माइनस आ जाएगा, ए तो कैंसिल हो गया, माइनस का सी कोस बी और बराबर क्या बच गया, माइनस का ए, माइनस 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 को मिलेगा हटा दो, क्या आ गया बी कोस सी प्लस सी कोस बी इक्वल टू ए, अरे बात समझ आ गया, क्लियर एकदम। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, यदि ए बी तथा सी तीन सदिश इस प्रकार हो कि मोड ए बराबर तीन, मोड बी बराबर पाँच, मोड सी बराबर सात तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो सदिश, तो सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि पहला पॉइंट ए तथा बी के मध्य न्यून कोण है, दूसरा पॉइंट ए बी तथा सी के मध्य अधिक कोण है, कर सकते हो क्वेश्चन, देखो दिमाग लगाना, आपको तीन सदिश ए बी सी दे रखी है इस प्रकार, मोड ए मोड बी मोड सी की वैल्यू आपको दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है जीरो, सिद्ध क्या करना है, पहला पॉइंट क्या है ए और बी के मध्य का कोण, जब आपको ए और बी के मध्य का कोण निकालना है ना, तो एक काम करो ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को इधर रख लो, जो बच गया उसको उधर ले जाओ, अरे समझेगा मेरी बात है, जिनके मध्य का कोण निकालना है, देखिए ए और बी के मध्य का कोण निकालना है, चाहे वो न्यून कोण अधिक कोण, वो तो बाद की बात है, बी और सी के मध्य का कोण निकालना, तो बी और सी को उधर रखेंगे ए को उधर ले जाएंगे, ए और सी के मध्य का कोण निकालना है तो बी को उधर ले जाएंगे, समझे, अधिक कोण न्यून कोण वो बाद की बात है, पहले कोण की बात कर लेते हैं अपन। चलो अब मैं इस क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता हूँ कि ए और बी के मध्य का कोण निकालो, यदि ये क्वेश्चन ऊपर ये दे दिया और फिर ये पहला पॉइंट इसका मैंने लिख दिया कि ए और बी के मध्य का कोण निकालो, बी और सी के मध्य का कोण निकालो, ए और सी के मध्य का कोण निकालो, मैं से पूछ सकता हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है, पर मैंने सिद्ध करने के लिए दे दिया कि भाई ये न्यून कोण आएगा या अधिक कोण आएगा, तो देखो ध्यान दो ये आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करते क्या आएगा ए प्लस बी मॉडुलस लगेगा ना, और इधर मॉडुलस लग के स्क्वायर, इसका स्क्वायर फॉल आता है मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर टू ए डॉट बी इक्वल माइनस का प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर होती सी स्क्वायर। अच्छा हमें क्या निकालना है, कोण, कोण कहाँ आता है यहाँ, तो यहाँ मतलब इसको हम मोड ए मोड बी कोस थीटा में तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ना नहीं है, तोड़ तो सकते हैं लेकिन तोड़ना नहीं है, क्यों सर क्यों ऐसा क्यों, मतलब हमें डायरेक्ट सीख रखा, याद करो आप वो दिन ए डॉट बी बड़ा हो जीरो से न्यून कोण, ए डॉट बी छोटा हो जीरो से याद आ रहा क्या अधिक कोण, बराबर हो जीरो के, तो अपने से ए डॉट बी का संबंध डायरेक्ट सीख रखा है, तो हम ए डॉट बी रखें ना यहाँ पर, इसको चेंज क्यों करें,
हालांकि हम चेंज कर सकते हैं कोस थीटा भी, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मोड ए मोड भी कोस थीटा, वहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं, थीटा का मान क्या बनता है वहाँ से भी हम बता सकते हैं। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में न्यूनकोण अधिकोण की बजाय पूछता कि भाई कोण निकालो ए और बी के मध्य कोण, तब आप मोड ए मोड बी कोस थीटा लगाते हैं यहाँ से और पक्षांतरण करके सबका, और वहाँ से कोस थीटा का मान निकालते, कोस थीटा के बाद थीटा का मान निकालते, कोस उठा के उतर लेते, कोस इनवर्स बनता वो, तो थीटा इक्वल क्या बनता वही आपके एंगल होता, समझे मेरी बात। लेकिन फिलहाल अपने को ये इतनी शर्त काफ़ी है। चलो बताओ भाई मोड ए का मान कितना रहे, तीन दे रखा है, तो तीन का स्क्वायर, मोड बी का मान पाँच प्लस टू ए डॉट बी, ऐसा कैसे रख लो आप, ठीक है, और सी है सात का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, नौ और पच्चीस चौंतीस, ये उनचास है, इसमें चौंतीस घटेगा कितना बचेगा, पंद्रह बचेगा, तो टू ए डॉट बी बराबर पंद्रह है, तो ए डॉट बी का मान कितना आएगा, दो कहाँ जाएगा। अच्छा ये जो मान आया किसका मान आया, ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, जीरो से बड़ा आया। अगर ए डॉट बी का मान जीरो से बड़ा आता है तो हम क्या कहेंगे, न्यूनकोण। तो बताओ ए और बी के मध्य न्यूनकोण है क्या, हो गई बात सिद्ध, ए तथा बी के मध्य क्या है, न्यूनकोण। अरे समझ नहीं आया, अब बताओ दूसरा पॉइंट आप निकाल सकते हो क्या, बी तथा सी के मध्य कोण निकालना, तो बी प्लस सी रख लो, रख लिया, ए को उठा के ले जाओ, फिर वो ही वर्क कर लो, सेम प्रोसेस चला लो, यहाँ बी डॉट सी रख लो आप, तो बी डॉट सी का मान क्या आता है, या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। इस केस में आप कहोगे इसका मान नेगेटिव आएगा, कुछ भी आए, जैसे 15/2 आया ना, वो मान लो -15/2 आ गया, ऐसा आ जाए तो वो नेगेटिव आ गया, मतलब वो जीरो से छोटा हो गया, तो हम क्या कहेंगे उसको, अधिक कोण। अरे समझ लो मेरी बात, तो मतलब आप दूसरा पॉइंट कर सकते हो। फिर भी किसी बच्चे के प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले फटाफट इसको नोट कर लिया जाए। चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, उस पर भी दिमाग लगाना, फिर नोट कर लेना। क्वेश्चन, यदि ये आपकी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है इसी टाइप का, इसी कंसेप्ट का है। यदि ए बी तथा सी समान परिमाण के परस्पर लंबवत सदिश हो तो सदिश ए द्वारा ए प्लस बी प्लस सी के साथ बनाया गया कोण ज्ञात करो। तो आप किसका कोण निकालना है, ए और ए प्लस बी प्लस सी के मध्य का कोण निकालना है, ठीक है, निकालेंगे। पहले फटाफट आप इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। यदि ए बी तथा सी समान परिमाण के, समान परिमाण समझ गए ना, यानी तीनों के परिमाण समान है। परिमाण किसको बोलते हैं, मॉडुलस को। ए का मॉडुलस बराबर बी का मॉडुलस बराबर सी का मॉडुलस, तीनों के परिमाण समान हो गए। साथ में क्या कह रखा है, परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत का मतलब ए है वो बी के लंबवत है, बी है वो सी के लंबवत है, सी है वो ए के लंबवत है। लंबवत का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, यदि ए और बी लंबवत हो तो क्या होगा, ए डॉट बी बराबर जीरो, याद है आपको, ठीक है। तो ए द्वारा ए प्लस बी प्लस सी के साथ बनाया गया कोण ज्ञात करना है अपने को। चलो सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, अपन मार्क कर दे। चलो सॉल्यूशन करते हैं। अपने पास गिवन है मोड ए मोड बी मोड सी, परिमाण समान है एक बात, दूसरी बात परस्पर लंबवत है। तो ए डॉट बी का मान क्या हुआ, जीरो।
बी डॉट सी का मान क्या हुआ और सी डॉट ए का मान क्या हुआ, जीरो। ये जीरो सदिश मतलब आना भाई, ऐसे मतलब जीरो सदिश, क्योंकि डॉट तो अदिश वाला है, इसकी वैल्यू किस में आएगी, अदिश में, तो जीरो। समझ रहे हो मेरी बात? चलो अब आ जाओ भाई, किसके किस साथ गुण निकालना है, ए द्वारा ए प्लस बी प्लस सी के साथ बनाया गया कोण, एक द्वारा ए प्लस बी प्लस सी के साथ बनाया गया कोण। तो मैं लेता हूँ कोस थीटा वाला फॉर्मूला, कोस थीटा इक्वल क्या फॉर्मूला था भाई, ए डॉट बी, वो हम ए और बी के बीच का एंगल निकालते हैं। अब अपने इन दोनों के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, तो ए की जगह तो ये है, बी की जगह ये है, तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी, बट्टे में आता है ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस, बी बोले तो ये ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस, ऐसा बन गया ये, ठीक। अब यहाँ से कोस थीटा, इस ए को अंदर गुणा करो डॉट वाला, ए डॉट ए क्या आया, मोड़े स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आया, ए डॉट बी का मान क्या है, जीरो, अरे ए डॉट बी का मान क्या है, जीरो। फिर ए का गुणा सी सी किया, ए डॉट सी का मान भी क्या है, ठीक है भाई। नीचे क्या है, मोड़े ए प्लस बी प्लस सी, ये बताओ कैंसिल आउट, ओके। इसको अंदर इंटू मत कर देना कि मोड़े को अंदर गुणा कर दिया है, दो मोड़े से गुणा नहीं होते ऐसे, ब्रैकेट थोड़ी है ये, अंदर इंटू मत कर देना, यहाँ तो इंटू हो गया था, ये इंटू मत कर देना, ठीक है, ये इसे कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो आपके पास क्या बचा, कोस थीटा इक्वल टू मोड़े अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस, ये बच गया। इसको एक बार इक्वेशन एक देकर छोड़ दो। अब ये कौन है, मॉडुलस के अंदर कौन आ गया बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, याद करो मॉडुलस में तीन जने आ जाए तो अपने को क्या करना होता है, इसको अलग से ले लो, इसका वर्ग निकाल दो आप, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग ले लेता हूँ, क्या वैल्यू आएगी इसकी, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी बी डॉट सी टू सी डॉट ए। ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, जीरो, और बी डॉट सी सी डॉट ए, ये तो जीरो हो गए तीनों, तो आगे क्या बचा, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर, ये तीनों परस्पर बराबर नहीं है क्या, तो मोड बी को भी तो मोड ए कह सकता हूँ और मोड सी को भी मोड ए कह सकता हूँ, तो इसको मैं मोड ए कह सकता हूँ ना, इसको भी मोड ए स्क्वायर कह सकता हूँ, तो आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल मोड ए स्क्वायर प्लस मोड ए स्क्वायर प्लस मोड ए स्क्वायर और प्लस पीछे वाला हो गया जीरो, ये हो गए तीन मोड ए स्क्वायर, तो आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल तीन मोड ए स्क्वायर, दोनों पक्षों से स्क्वायर डालें, वर्गमूल ले लें, वर्गमूल वर्गमूल लेते इधर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तीन का हो गया अंडर रूट और ये स्क्वायर है तो बाहर आ गया मोड ए। इसको इक्वेशन नंबर दो दे दो, ये किसका मान आ गया, मोड ए प्लस बी प्लस सी का, यहाँ रख दो, समझे मेरी बात, इस जगह है, तो एक बाय दो से कोस थीटा इक्वल टू ऊपर तो है मोड ए और नीचे मोड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट तीन मोड ए, इसकी वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है। अब बताओ ये मोड ए मोड ए कैंसिल, क्या आया वन अपन अंडर रूट थ्री कोस थीटा की वैल्यू, हमें थीटा चाहिए, थीटा इक्वल कोस इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट थ्री, आगे बात समझ में क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको आपको देते हैं जो आपको करना है, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो इसका सोल्यूशन आप बता देना मुझे, इसका आंसर बता देना, ठीक है। यदि ए बी तथा सी तीन इकाई सदिश हो तो
हो तो मोड ए माइनस बी का स्क्वायर मोड बी माइनस सी का स्क्वायर मोड प्लस मोड सी माइनस ए का स्क्वायर का परिसर ज्ञात करो। परिसर जानते हो क्या? मिनिमम, इसका मिनिमम मान और मैक्सिमम मान निकाल के बताना है अपने को। मिनिमम मैक्सिमम मान जो होगा उसको एक इंटरवल में नोट कर दो, वही परिसर होता है। तो आप इसमें ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ तक आपके 13.2 एक्सरसाइज तक के कंसेप्ट पूरे होते हैं, 13.2, ठीक है। तो आप 13.2 तक एक्सरसाइज भी आप निकाल लेना अपनी बुक की, आरबीएससी वाली जो बुक है 13.2 है, वहाँ तक की आप एक्सरसाइज निकाल लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो को उसका अब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। अब मैं 13.1 और 13.2 का अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद आगे वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन। पहले एक्सरसाइज करेंगे, 13.1 कराऊंगा मैं और 13.2 कराऊंगा। तो उससे पहले आप पहले खुद निकाल के तैयार रखो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी जो परेशानी है वो उसमें दूर हो जाएगी वीडियो में। थैंक यू।